चुनाव हुआ खत्म हो गया, वो अपने अपने घर हैं, हम अपने घर हैं, बस ये है। मतलब नहीं रहता हम लोग, कोई मतलब नहीं किसी से। चुनाव हो जाता है, प्रत्याशी जीत कर चले जाते हैं, फिर यहाँ ध्यान नहीं देते हैं कि क्या सुविधा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। किसी भी चुनाव में जातियों की बात ना करें, धर्म की बात ना करें तो वो बेमानी होगा। वजह इसलिए कि अक्सर देखा गया है कि जाति और धर्म के आधार पर जो मतदाता हैं अपने वोट को डालते हैं। ऐसे में जातिगत आधार पर जो रामगढ़ का उपचुनाव है वो किस करवट जा रहा है, इसको भी देखना और समझना बहुत जरूरी है। इसमें मैं रामगढ़ विधानसभा के उन्नाव क्षेत्र में खड़ा हूँ और ये हैदर साहब का कटरा है और यहाँ पर लोग हैं। हम पहले दिखाएंगे कि बाबा आपका शुभ नाम क्या हुआ बाबा? मोहम्मद अनवर हुसैन। बाबा किस प्रकार से ये चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है उसको आप लोग देखते हैं? ये चुनाव तो आता रहा चला जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चुनाव से पब्लिक का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों बाबा, जरूरत मान लीजिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण होता है मगर पब्लिक जो है बेवकूफ है जी। कैसे बाबा? कैसे कि वोट डाल दिया, हाँ यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है किसी किस्म की, लाइट कब है कब नहीं है कोई ठीक नहीं है, लाइट का ना किसी सहूलियत नहीं है यहाँ पर। टाउन घोषित कर दिया गया, उसकी कोई सुविधा नहीं है। हम देख रहा हूँ कि इस कटरा में आप लोग व्यापारी हैं, कई प्रकार के व्यापार कर रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं मतलब कि क्या सुविधाएं नहीं मिलती हैं? कोई सुविधा नहीं। तो जो पिछला चुनाव हुआ उसमें अभी भी चुनाव हुआ है, कोई किसी का वो चुनाव हुआ खत्म हो गया, वो अपने अपने घर हैं, हम अपने घर हैं, बस ये है। मतलब नहीं रहता हम लोगों को, कोई मतलब नहीं किसी से, कौन किया है क्या नहीं है, डेवलपमेंट नहीं कर पाते कोई नहीं। हम अक्सर देख रहे हैं, जब आ रहे थे तो देख रहे थे कि सड़कें तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो बाजार होता है, ये खूबसूरत बाजार है, जो बाजार होता है लोगों को आकर्षित करने के लिए, आने के लिए जो सुविधा होती है वो नहीं खास करके दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये कटरा है जो सही ढंग से बनाया गया है। आप यहाँ हम देख रहे हैं कि दाल चावल बेच रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं इस बार के उपचुनाव को? राम क्या बोले हम, किस प्रकार से देख रहे हैं उपचुनाव को, क्या कहेंगे आप? सही है। सही है, सही है, मतलब क्या बताइए अपना, जो हो रहा बढ़िया हो रहा है ना। बढ़िया जी, किस हिसाब से इस बार किसको मतलब आप लोग जाएंगे, किस तरफ सोचेंगे? देखा जाएगा उसके बारे में सोचा जाएगा, अभी कोई ओपिनियन नहीं बनाया, निर्णय नहीं है, निर्णय लिया है। अच्छा, जो कई पार्टियां खड़ी हैं, लड़ाई को कैसे समझ रहे हैं, मतलब कि नजदीकी लड़ाई होगी या वाकई मैंडेट एक क्लियर होगा? जो होगा क्लियर होगा। आपका समाज किस तरफ जा रहा है, क्या सोचते हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों का? हम लोग मुद्दा जो बनेगा वही कहा जाएगा बढ़िया, ठीक ना। हम लोग अभी काम होगा तभी ना कोई काम हल होगा, बताइए। हम लोग का रोड देखिएगा, गली का एकदम मतलब बरसात के दिनों में एकदम चलने लायक नहीं, पानी लग जाता है, हम लोग का ही समस्या सब है। डेवलपमेंट मुख्य मुद्दा आप लोग मान के चल रहे जी? किस पार्टी को समझते हैं कि वो विकास करेगा या कोई नहीं है? कोई दिखाई नहीं देता है, कोई नहीं दिखता है। वोट डालेंगे ना? हाँ वोट तो डालना ही है, जिसको डालना इच्छा, हमारा इच्छा के ऊपर ना, इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इच्छा तो काफी महत्वपूर्ण है और इसी इच्छा को लेकर लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं। यहाँ पर कुछ और मित्र हैं वहाँ पर खड़े हैं, जरा आइए इधर बॉस, अब आपका भी ओपिनियन लेना चाहेंगे, किस प्रकार से आप लोग युवा हैं, युवाओं का ओपिनियन काफी दूर चले गए, आप यहाँ पर खड़े थे, आप आइए देखो, युवाओं का ओपिनियन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, किस हिसाब से देखते हैं इस बार के चुनाव को आप, ये उपचुनाव जो हो रहा है रामगढ़ में? चुनाव को ये देखते हैं कि जो चुनाव हो जाता है, प्रत्याशी जीत कर चले जाते हैं, फिर यहाँ ध्यान नहीं देते हैं कि क्या सुविधा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। जैसे रोड पर घूम लीजिए, कूड़ा कहीं लगा रहता है, कोई सुविधा, कोई आ जाता है बाहर से, न पेशाब खाने की सुविधा है, न कुछ इस तरह की जो सुविधा होनी चाहिए नहीं मिल पाती है। अच्छा, इस सुविधा मुद्दा के कोई कुछ और भी मुद्दा होना चाहिए, मान लीजिए कई चीज बदल रहा है, कई चीज बिहार स्तर पर भारत स्तर पर हो रहा है, तो हम तो यहाँ के तो गाँव से बात करेंगे, बाहर से बारे में हम नहीं बता मतलब सकते, वो मतलब दिमाग में नहीं है, मतलब ये है कि सुविधा नहीं मिल रही है जी। तो कई पार्टियां जीती, देखिए कई दफा राष्ट्रीय जनता दल के लोग जीत चुके हैं, इस बार भी आसार तो यही है कि मतलब बढ़िया मत मिलेगा उन लोगों को। अब मत तो देना है,
जो आप लोग किस हिसाब से सोचते हैं, किन पार्टियों को देखते हैं कि नहीं वो भाई सही है? पार्टी के बारे क्या बताएं, सब वही पार्टी रहती है। बराबर है जी जी, कोई जीते अपना सीट के लिए सब जीतते हैं, अपना काम चलाने के लिए। लोकसभा खत्म हुआ, अब तुरंत विधानसभा आ गया, चुनाव तो लगातार हो रहे हैं। हाँ तो चुनाव होता रहेगा, वोट करते रहेंगे और क्या करेंगे, करते रहेंगे आप लोग। मतलब अभी फिलहाल क्या ओपिनियन बना के रखा है आपने अपना कि हाँ इस बार हो रहा है, तो किस हिसाब से सोच रहे हैं? क्या हम बताएं, हालांकि मित्र ने हमारा बहुत कुछ ये बताया कि उन्होंने कहा कि भाई मुद्दा डेवलपमेंट ही है और इस डेवलपमेंट की स्थिति में किस प्रकार से हम लोग जो सोचते हैं उसी जिस प्रकार सोचते हैं उस पर वोट करेंगे। हमारे एक और यहाँ पर है सर, आपका ये किस प्रकार किस चीज का दुकान है? कालसुन की दुकान है। क्या नाम तुम्हारा? अरविंद कुमार। क्या किस प्रकार से सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर? अब चुनाव तो ठीक ही है, नीतीश जी बोलते हैं कि दारू बंद हो गया है, और हम लोग देखते हैं कि हर एक गांव में दारू बिकता है, और हर दारू का जो जहर है, जो नशीला पदार्थ करता है, उसको आदि हो गया है, तो वो हर वक्त मरेगा ही। जब उसको दारू नहीं मिलता है तो कोई चीज़ ऐसा पदार्थ ले लेता है जिसके चार काम मर जाता है, और ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ की दारू नहीं बिकता है। इसको अगर सुधार दिया जाए तो अच्छा है, बस यही हमको कहना है। इस बार कौन सी पार्टी आपके अनुसार जो होगी वो, इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। हमारे जहाँ बात मत है हम वहाँ देंगे, और कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? हम यही सोचते हैं कि जो दारू बंद है उसको पूर्ण रूप से बंद कर दें, ताकि किसी हो गया नीतीश कुमार, मतलब कि सक्सेस नहीं है। यदि बंद नहीं करना चाहते हैं तो फिर गाँव में चालू कर दें, ताकि लोग अपने इच्छा अनुसार कम दाम में पीते रहें और सुरक्षित रहें, सुरक्षित सही दारू मिले, सही दारू मिले। ये एक देखिए सबसे बड़े क्या है कि लगातार जो वोट पड़ते आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव बीता, उसके बाद ये उप विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में लोगों का जो ओपिनियन है वो ये सीधे तौर पर बता रहा है कि डेवलपमेंट और सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी चीज़ को लेकर कोई भी सरकार कोई भी पार्टी आए वो बात करे और उसके अनुसार ही हम लोग वोट डालने वाले हैं। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।